जाऊंगा, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी के मां और पिता का अपमान कभी नहीं करता। क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? क्या ये भाजपा का संस्कार है? ये हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। ऑस्कर में नियाज खान, चुनाव नजदीक आते ही चुनावी रैलियों में भाषण देते हुए नेताओं के जुबान फिसलने का इतिहास काफी पुराना रहा है। नेता यही सोचते हैं कि क्या ऐसा बोलकर विरोधियों पर हमला करूं कि जनता की वाहवाही मिले और तालियां मिले। इसी वाहवाही और तालियों की भूख में नेता अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं जो भाषा की मर्यादा या फिर भारतीय संस्कृति को शर्मसार कर देता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री की जुबान फिसली है और उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। इसी सिलसिले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और सभा को संबोधित करते हुए उनकी जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि आप राजीव गांधी के बेटे हैं या नहीं। सुनिए, आज आप ये लोग का मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा सबसे, हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला भाई, प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई, आप कौन सा पिता का बेटा है? कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मांगने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या? क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हो क्या आपसे? बिस्वा के इस बयान के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने बिस्वा पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या ये भाजपा का संस्कार है, क्या ये हमारा हिंदू धर्म है, क्या हमारा ये देश का मर्यादा है कि आपका नेता किसी नेता से पूछ रहा है कि आप किस बाप से पैदा हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते, मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है इस देश के लिए, ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ सकता। भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए? एक एमपी के बारे में, आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुई है बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं, हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है? इस देश में सहनशीलता का भी एक सीमा होता है।
तो सुना आपने के चंद्रशेखर राव ने बिस्वा के बयान को गलत बताते हुए कहा कि यह हमारी हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती है, जहां एक नेता किसी सांसद से पूछे कि किस बाप के औलाद हो। वाकई इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती। जब से हेमंत बिस्वा सरमा का ये बयान सामने आया है, तब से राहुल गांधी की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि कभी भी जिंदगी भर नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, उनके माता पिता के बारे में कभी नहीं बोलूंगा। मैं मर जाऊंगा मगर मैं नरेंद्र मोदी के माँ और पिता का अपमान कभी नहीं करूंगा। कभी भी जिंदगी भर नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, उनके माता पिता के बारे में कभी नहीं बोलूंगा। मैं मर जाऊंगा, आप सुनो, मैं मर जाऊंगा मगर मैं नरेंद्र मोदी जी के माँ और पिता का अपमान कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आरएसएस का आदमी नहीं हूं, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं। और जितना भी क्रोध, जितनी भी नफरत उन्होंने मुझे मेरे ओर फेंकी, मैं उनको वापस प्यार दूंगा, मैं उनसे गले मिलकर झप्पी लेकर उनको प्यार दूंगा। सुना आपने, राहुल गांधी ने नफरत का जवाब प्यार से देने की बात कही है। वहीं इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, प्रिय हेमंत बिस्वा, ये असम की संस्कृति नहीं है और ना ही असामी भाषा, शर्म करो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हम हमेशा राजनीतिक बहस कर सकते हैं लेकिन हमें मर्यादा बनाए रखनी होगी। हम वास्तव में सोचते हैं कि अब राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं के पूरे समूह द्वारा इतने सस्ते व्यक्तिगत हमले ने उन्हें वास्तव में मजबूत बना दिया है, वह इन घटिया हमले पर प्रतिक्रिया भी नहीं देता। एक और यूजर ने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए, सीएम होकर ऐसी गंदी भाषा बोलते हो और आपको लगता है कि जनता शाबाशी देगी। इतना भी मत गिरो आप लोग राजनीति में कि अपना संस्कार भी भूल जाओ। तो इसी तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं। आप सीएम हेमंत बिस्वा सरमा के अमर्यादित भाषा पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मर जाऊंगा मगर मैं नरेंद्र मोदी जी के मां और पिता का अपमान कभी नहीं करूंगा। क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है।